न्यायालय द्वारा डीजे बजाए जाने पर प्रतिबंध लगाए जाने से डीजे संचालकों के सामने बेरोजगारी का संकट खड़ा हो गया। नियमों में संशोधन कर रोजगार की व्यवस्था कराए जाने की मांग को लेकर डीजे संचालकों ने बागपत के बड़ौत तहसील में धरना प्रदर्शन किया। तहसील में धरना प्रदर्शन करने वाले डीजे संचालकों का कहना था कि न्यायालय व सरकार ने डीजे संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध तो लगा दिया, लेकिन इस कारोबार से जुड़े लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचा। सैकड़ों डीजे संचालकों से उनका रोजगार छीन लिया गया। डीजे संचालकों का कहना था कि वे सभी न्यायालय के आदेशों का पालन करेंगे, लेकिन बनाए गए नियम में या तो फिर बदल किया जाए या फिर उन्हें रोजगार मुहैया कराया जाए। हम हाई कोर्ट का पूर्ण रूप से सम्मान करते हैं, ना ही कोई धरना कर रहे हैं, ना ही कोई प्रदर्शन कर रहे हैं कोर्ट के खिलाफ, लेकिन हम जो बेरोजगार हुए हैं उसके बारे में सोचा जाए और हमारे लिए कुछ राहत मिले। हमें ये बोझा है कि डीजे थोड़ी कम ध्वनि में बजाएं, पूर्ण रूप से बैन ना करें ताकि हमारा रोजगार भी चलता रहे और हाईकोर्ट का जो निर्णय है उसका हम पूरा सम्मान करें। हम बागपत जिले से हैं, सारे डीजे वाले इकट्ठे हुए हैं और सभी डीजे वाले परेशान हैं, क्योंकि अब हमारे पास कोई रोजगार नहीं है। दूसरा एक ही रोजगार था हमारा डीजे का, ना कोई इतने पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे, सारे 12वीं क्लास करे हुए हैं, कहीं जाके नौकरी भी नहीं कर सकते। न्यायालय द्वारा डीजे बजाए जाने पर प्रतिबंध लगाए जाने से डीजे संचालकों के सामने बेरोजगारी का संकट खड़ा हो गया। नियमों में संशोधन करा रोजगार की व्यवस्था कराए जाने की मांग को लेकर डीजे संचालकों तहसील में धरना प्रदर्शन करने वाले डीजे उधार पैसे लेकर या घर गिरवी तक रखते हुए बहुत से डीजे संचालकों ने साउंड सिस्टम खरीद कर खुद का कारोबार खड़ा किया हुआ। अब डीजे संचालकों पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद घर में दो वक्त की रोटी के भी लाले पड़ जाएंगे। डीजे संचालकों का कहना था कि राजनीतिक रैलियों, धार्मिक आयोजनों, मस्जिदों में लगे साउंड सिस्टम आदि सभी इस दायरे में लाए जाने चाहिए। इसके लिए साउंड व डीजे का बजाने का समय ध्वनि नियंत्रण के नियम आदि पर मानक तय किए जाने चाहिए ताकि डीजे संचालक बेरोजगार न हों। इस संबंध में लोगों ने एसडीएम बड़ौत को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देते हुए समाधान निकालने की मांग की। नाम सचिन है। क्या काम करते हैं जी? हम सब डीजे एसोसिएशन है और हम डीजे का साउंड का काम करते हैं। क्या समस्या, आज क्यों तहसील आए हैं? सर हम है ना इसलिए अपने ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि हमें सभी डीजे वालों को समस्या है। हमारे उच्च न्यायालय हाई कोर्ट द्वारा डीजे और वे साउंड पर प्रतिबंधित लगाया गया है और इस विषय से हमारे सभी डीजे वाले अब भी रोजगार की कगार पर खड़े हुए हैं। हम उच्च न्यायालय का बहुत अच्छे से उनके दिए गए निर्देश का पालन करना चाहते हैं और करेंगे भी, लेकिन हमें इतनी ज़्यादा समस्या आ गई है कि अब हम अपना घर कैसे चलाएं, बच्चों की फीस कैसे भरें, और बैंक द्वारा हमने लोन लिया है, मार्केट से कुछ पैसे भी उठाए हैं, घर वर बेच करके और किराए पे खुद रह रहे हैं और अपना जो भी अपने पास पूंजी थी वो सब डीजे में लगा करके आज हम बिल्कुल कंगाल की कगार पे खड़े हैं, क्योंकि हमारा पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है हाईकोर्ट द्वारा। तो हम चाहते हैं इसमें हाईकोर्ट हमारी तरफ को देखते हुए एक रोशनी की किरण हमारे लिए थोड़ा न्याय करे। हाँ, जैसा आप अवगत होंगे पिछले सप्ताह जो है माननीय हाईकोर्ट ने जो हमारा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसको मेंशन करते हुए एक नया नए दिशा निर्देश जारी किए और डीजे को पूरी तरह से बैन कर दिया, और उसके अंदर ये भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो हमारा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो 1,00,000 का जुर्माना है वो उनसे लिया जाए यदि कोई इस आदेश का उल्लंघन करता है। और इसमें जो है जो संबंधित एसओ है उसको जिम्मेदार बनाया है कि यदि ऐसी कोई घटना घटती है तो उसके पूर्ण जिम्मेदार वो होंगे। तो कुछ युवक आए थे जिनका कहना यह था कि इस रूल के आने से, इस ऑर्डर के आने से वो बेरोजगार हो गए, तो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित करते हुए एक ज्ञापन दिया था जो हमारे द्वारा तुरंत भिजवा दिया गया है, क्योंकि माननीय हाईकोर्ट का मैटर है, इस पर जिले स्तर से कोई भी कार्रवाई संभव नहीं है। माननीय हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में शासन द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है, जो भी निर्णय लिया जाएगा उसका पालन कराया जाएगा। फिलहाल माननीय हाईकोर्ट का जो नियम है कि डीजे नहीं बनेगा, नहीं बजेगा। थैंक यू।